आरजेडी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। संजय यादव और मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। दोनों नेताओं ने राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन करने के बाद दोनों नेता मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस मौके पर संजय यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कहेंगे कि जो पार्टी का भरोसा है, आम जनमानस का भरोसा है, पूरी उम्मीदों पे खरा उतरने की अपनी पूरी भरसक कोशिश करें। संजय यादव के अलावा मनोज झा ने भी यहां पर अपनी बात रखी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, राबड़ी जी, हमारे युवा नेता तेजस्वी जी और एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, सबका धन्यवाद। अब सदन में मेरे साथ संजय जी भी होंगे। हमारी ऑलरेडी अच्छी संख्या है राज्यसभा में। समाजवाद की आवाज बुलंद होगी, बहुजन की आवाज बुलंद होगी। दूसरा टेन्योर है, क्या प्राथमिकता होगी आपकी बिहार और देश में समाजवाद के संकट? बता दें कि राज्यसभा के लिए जैसे ही आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव का नाम तय हुआ, उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगी। तेजस्वी के विरोधियों द्वारा ये कहा जाने लगा कि आरजेडी में जेन्युइन कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और संजय यादव, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, साथ ही मनोज झा को तरजीह दिया जा रहा है। अब दोनों नेताओं ने नॉमिनेशन कर लिया है, नाम इनके तय है। देखना होगा कि दोनों नेता राज्यसभा में कैसे आरजेडी का पक्ष रखते हैं। पटना से आदित्य वैभव की रिपोर्ट आप देख रहे थे।